इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं रजा इंटरप्राइजेज। चुनाव से संबंधित समस्त प्रचार सामग्री के थोक व फुटकर विक्रेता। सुल्तानपुर में बल्दीराय के अशरफपुर गांव में आयोजित हुई एक दिवसीय जय मां कल्याणी दौड़ प्रतियोगिता कांग्रेस जिला सचिव अरविंद त्रिलोकचंद ने फीता काटकर किया शुभारंभ। प्रतियोगिता की 16 मीटर दौड़ में ज्ञान सिंह प्रथम व आशीष यादव द्वितीय स्थान पर रहे और 800 मीटर की दौड़ में संदीप मिश्रा प्रथम व गोलू मिश्रा द्वितीय स्थान पर रहे। सैकड़ों लोग रहे उपस्थित। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के निर्देश पर नगरपालिका टीम और पुलिस टीम ने दुकानों के सामने अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध शुरू की कार्रवाई। सामान हटवाया, यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी उठाए कदम। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई व संदिग्ध वाहनों की तलाशी भी ली गई। सुल्तानपुर के कूड़ेभार में अयोध्या जिले के पूरा कलंदर क्षेत्र के निवासी बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। दोनों युवक गंभीर रूप से हुए घायल। डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित किया, दूसरे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बताते चले कि दोनों लोग अपनी बहन के पुत्र के मुंडन में शामिल होने के लिए बाइक से इलाहाबाद गए थे। मौत की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मचा। सुल्तानपुर के सीताकुंड धाम पर मौनी अमावस्या के पर्व को धूमधाम से मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने गोमती स्नान कर मांगी परिवारजनों के लिए मन्नतें। सामाजिक संस्था गोमती मित्र मंडल के लोगों ने त्यौहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए की व्यवस्था। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गोमती नदी में स्नान किया। अमेठी के गौरीगंज में व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल के नेतृत्व में ऑनलाइन ट्रेडिंग को समाप्त करने के संबंध में एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा गया। ऑनलाइन कारोबार बंद करने को लेकर व्यापारी हुए हैं लामबंद, जता रहे हैं विरोध। अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। सभी मंडलों में बूथ स्तर पर कार्यक्रम किया गया संपन्न। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्चन कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई और साथ ही सैकड़ों लोग रहे मौजूद। अमेठी के मुसाफिरखाना में दादरा स्थित पौराणिक देवी हिंगलाज धाम पर चल रहे हिंगलाज महोत्सव में कमेटी मंडल के तत्वाधान में आयोजित हुआ विशाल दुग्धोरिया का कार्यक्रम। दुग्धोरिया में हजारों की संख्या में महिलाओं ने अवसान माता की पूजा अर्चना की। प्रसाद के रूप में लाई चना व मिष्ठान के श्रद्धालुओं का वितरण किया गया तथा साथ ही महिलाओं ने हिंगलाज माता की आरती भी गाई। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कई इलाकों में गाड़ियों पर लगाए गए लोगों पर काला पेंट लगाकर मिटाया गया। गाड़ियों में लगी काली फिल्म को भी उतरवाया गया। साथ ही यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि बिना हेलमेट लगाकर वाहन न चलाएं और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। सुल्तानपुर जनपद की चांदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमेचा में पंचायती राज विभाग व पुलिस विभाग से जुड़े 181 लोगों को कोरोना वायरस का पहला टीका लगा। उनमें से किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को नहीं मिली। टीकाकरण के बाद सभी को 30 मिनट के लिए निगरानी कक्ष में भी रखा गया, उसके बाद जाने की अनुमति दी गई। अमेठी में तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रक पलटी। ट्रक पर सवार ड्राइवर और खलासी बुरी तरह घायल हो गए। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सरेसर नहर के पास का है ये मामला। सुल्तानपुर में नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के विरोध में गल्ला मंडी के व्यापारियों ने किया जोरदार प्रशासन। पूरी मंडी को दोनों तरफ से किया गया लॉक। उन्होंने कहा कि फ्रीहोल्ड की दुकानें तक तोड़ रहे हैं नगर पालिका के लोग, वसूलू की और जबरदस्ती भी कर रहे हैं। साथ ही नगर पालिका पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताते हुए लोगों ने नारेबाजी की। बिल्कुल, उन्होंने बगैर पूछे 1000 रुपए की रसीद उन्होंने काटी। उन्होंने कहा पैसा दीजिए, हमने कहा पैसा हम नहीं देंगे। आप ये बताइए कि किस आधार पे हमारी रसीद यहाँ कटी है मंडी। सुल्तानपुर के कादीपुर में कोविड 19 के टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण का हुआ शुभारंभ। तहसीलदार रानी गर्मा जायसवाल व उप जिलाधिकारी महेंद्र सिंह ने लगवाया टीका। उन्होंने अपील की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, सब लोग अपने क्रम आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। दर्जनों लोग रहे उपस्थित। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत थाना लंबुआ में वांछित अभियुक्त चंदन को किया गया गिरफ्तार। थाना कोड़वार में वारंटी अभियुक्त अजीत कुमार को भी किया गया गिरफ्तार व विभिन्न थानों में 20 व्यक्तियों को शांति व्यवस्था भंग करने के संबंध में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सुल्तानपुर में जिला विकास अधिकारी एवं उपायुक्त मनरेगा द्वारा कमल उपवन एवं सरोवर की खुदाई का कार्य का किया गया निरीक्षण। उचित निर्देश जारी किए गए। सुल्तानपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। बूथ स्तर पर आयोजित हुई गोष्ठी में लोगों ने की चर्चा। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल के दिखाए गए मार्ग व आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। रजा इंटरप्राइजेज चुनाव से संबंधित समस्त प्रचार सामग्री के थोक व फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ जिला पंचायत प्रधान, BDC
वार्ड मेंबर की समस्त प्रचार सामग्री उपलब्ध है। प्रत्याशियों के फोटो वाला झंडा, फोटो वाला मफलर, फोटो वाला टी शर्ट, फोटो बैच, साइकिल झंडा, बैलेट पेपर, आई कार्ड, वोटर लिस्ट, टोपी, माथे की बिंदी, पेपर लड़ी, रुपया बिल्ला, की रिंग, मास्क, रंगीन पोस्टर, स्टीकर आदि उपलब्ध हैं। हमारा पता है कलेक्ट्री ऑफिस के सामने बरसाती होटल के बगल सुल्तानपुर। हमारी शाखा है लंबुआ बाजार ब्लॉक रोड से पूरब में जौनपुर रोड पर। संपर्क करें 7860045045, 9982629814। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।